नमस्कार, सच कहो बुलेटिन में तुहाड़ा स्वागत है। नज़र पाउने आ पंजाब समेत दुनिया भर दीआं वड्डीआं खबरां ते। मुरादाबाद विच करोना वैक्सीन लगन दे 30 घंटे बाद वर्ड बॉय दी मौत। किसानां दी ट्रैक्टर रैली ते बोले सीजीआई, दिल्ली विच कौन आएगा कौन नहीं इह पुलिस तय करेगी। खेती कानूनां दे खिलाफ अंदोलन कर रहे किसानां ने 26 जनवरी दा बदलिया रूट, हुण आउटर रिंग रोड ते निकलेगा ट्रैक्टर मार्ग। किसानां दा पैसा पूंजीपतियां विच बंड रही है मोदी सरकार, बोले राहुल गांधी। देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर तो ज़्यादा दे मैट्रो नैटवर्क से चल रहा काम, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ कनीना मार्ग से निजी बस और कार विच टक्कर, 3 भाई और 1 भैन जी मौत। शुरुआती कारोबार में सेंसेक 200 अंक तो वध थले डिगया, निफ्टी 14400 तो थले। अमृतसर तो जयनगर जा रही शहीद एक्सप्रैस के 2 डब्बे लखनऊ में पटरी तो उतरे। बरनाला के धनौला विखे भाकी एकता गुराहां वालों मनाया गया किसान औरत दिवस, हजारां महिलावां ने की शमूलियत। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करन तो पहला डिग सकती है, बोली कांग्रेस आगू कुमारी शैलजा। तरन तारण विच 5 हथियारबंद संदिग्ध छिपे सी, पुलिस ने एनकाउंटर विच कीता ढेर, 2 ने गिरफ्तारी तो बाद तोड़िया दम। गुरनाम चढ़ूनी ते 10 करोड़ लेने, कांग्रेस के नाल मिलकर हरियाणा सरकार डिगण की डील करन दा आरोप। हरियाणा किसान यूनियन के अध्यक्ष चढ़ूनी संयुक्त किसान मोर्चे तो निलंबित। हरियाणा विच अगले 3 दिन शीतलहर का अनुमान, शिमला तो भी ठंडा रहा पंजाब दा अमृतसर। फिलहाल इस बुलेटिन जैना ही, ज्यादा खबरें वेखन लई तुसीं देखदे रहो सच कहूं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।